नमस्कार, मैं भीमराव लूनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संविधान चौक पर का जो आंदोलन रहता है वो हम आपको दिखाते हैं। हर बार हम वो आंदोलन दिखाते हैं। संविधान चौक पे कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर रही तो वो हम हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम दिखाते हैं। यहाँ पे पिछले 18 दिनों से जो SSC GD के जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और 15 दिन उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। अभी ये 3 दिन से वह आमरण उपोषण पे बैठे हैं इस संविधान चौक पे। इनकी मांग क्या है, किस मांग के लिए ये आमरण उपोषण कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो 3 दिन से जो आमरण उपोषण चालू है, यहाँ के जो छात्र है जो आमरण उपोषण कर रहे हैं उसमें से कुछ छात्रों की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, उनकी हालात ख़राब हो चुकी है। हम आपको दिखाएंगे जिन छात्राओं की जो हालत जो है जो ख़राब हो चुकी है उनको भी हम दिखाएंगे, लेकिन इनकी ओर किसी प्रशासन का ध्यान नहीं है, ना केंद्र सरकार का ध्यान है, ना किसी का ध्यान है। हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने इन छात्रों की ओर ध्यान देना आवश्यक है और ख़ास करके प्रशासन ने भी इन छात्रों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। ये अर्धसैनिक बल सब यानी मेडिकल फिट सब फिट 2018 में SSC की जो एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम में ये पात्र हुए ये छात्र, लेकिन कुछ छात्रों को अर्धसैनिक बल में लिया गया और कुछ छात्रों को नहीं लिया गया, उन पर अन्याय हुआ, उनको अर्धसैनिक बल पे लिया जाए, इस मांग को लेकर ये छात्र यहाँ आमरण उपोषण पे है। आप देख सकते हैं ये लड़कियाँ है, आप देख सकते हैं इनकी हालात ख़राब हो गई है, आमरण उपोषण कर रहे हैं ये। मेरा एक ही कहना है, यहाँ के जो खासदार और केंद्र के बलाढ्य दूसरे क्रमांक के बलाढ्य मंत्री नितिन गडकरी साहब ने इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। उनके नागपुर शहर में अर्धसैनिक बल इस में जो भर्ती होना चाहते थे उन छात्रों को पूरी तरह से केंद्र सरकार ने उन्हें भर्ती होने से उन पर रोक लगाई है। उन्होंने SSC GD की एग्ज़ाम पास हो चुके हैं और वो पात्र ठहरे हुए हैं। करीब करीब ये छात्र देख सकते हैं यहाँ पे करीब 20 से 30 छात्र यहाँ आमरण उपोषण पे बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। ये लड़कियाँ देख सकते हो इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। देखिए ये जो बच्ची है ये इसको बुखार आया है, ये पिछले 3 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है, ये बच्ची ने खाना नहीं खाया है, इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये जो बच्चे देख रहे हैं देखिए ये इनकी भी हालत थोड़ी गंभीर नज़र आ रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन जो है उनका अनदेखी देखा जा रहा है। और यहाँ के जो नागपुर जिला के पालक मंत्री है उन्होंने भी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो खान पान की जो व्यवस्था की है, ये जो इनकी जो खान पान की व्यवस्था की है एक पत्रकार के माध्यम से इनकी खान पान की व्यवस्था की गई है। मैं बताऊंगा सुदर्शन बागड़े करके वो पत्रकार का नाम है, उनके माध्यम से इनकी खान पान की व्यवस्था की गई है। ये नागपुर के किसी बुद्ध विहार में रह रहे हैं, एक बुद्ध विहार में वो रह रहे हैं, उनके खान पान की व्यवस्था मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा। एक पत्रकार जिन्होंने इनकी व्यथा को देखा, वो पत्रकार ने एक सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको फ़ोन किया, उस सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से इनकी खान पान की व्यवस्था वो एक पत्रकार ने की है, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के पालक मंत्री ने, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो केंद्र के बलाढ्य मंत्री और नागपुर के खासदार है नितिन गडकरी, उन्होंने इनकी ओर देखा भी नहीं और इन्हें किसी प्रकार की मदद भी नहीं की है। हम इन छात्रों से जानेंगे। हाँ, आप इधर आइए थोड़ा, हम इन छात्रों से जानेंगे। हाँ, कहाँ से आए बेटा आप, 3 दिन से आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं, आपकी हालत भी कमज़ोर होते जा रही है, आप खाना भी नहीं खा रहे हो, क्या बताओगे? हम मैं कराड़ से आई हूँ, ये नासिक से है और ये हमारे इधर के सातारा की है।
हम तो अभी 3 से उपोषण पे बैठे, 4 तारीख से उपोषण पे बैठे, 3 दिन हुए अभी, लेकिन अभी यहाँ पर अभी किसी ने कुछ मतलब दखल नहीं लिया अभी यहाँ तक। 3 दिन से आप आमरण उपोषण कर रहे हैं, कोई सरकार का आदमी या कोई मंत्री, पालक मंत्री बोलो या खासदार के कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आए क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। देखिए, इनका एक ही कहना है कि हम 3 दिन से आमरण उपोषण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना मंत्री के कोई प्रतिनिधि आया है, ना प्रशासन का कोई प्रतिनिधि आया है इनको देखने के लिए कि इनकी हालत कैसी है, इन बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया। पूरे भारत देश से जो ये SSC JD के जो छात्र है, ये नागपुर पे, ये ऊपर राजधानी नागपुर में आमरण उपोषण कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। मैं आपको बताना चाहूँगा, 18वां दिन है आज, 18वां दिन, 3 दिन आमरण उपोषण के और 15 दिन इनका, 15 दिन आंदोलन के। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कडूबा राठौड़। आप हमें ये बताइए कि आप आमरण उपोषण कर रहे हैं, आज 3रा दिन है, कई बच्चों की हालत कमज़ोर हुई है, कौन आया आपसे मिलने? सर आज मतलब आज हमारा 3रा दिन है, लेकिन अभी तक किसी शासन ने हमारी दखल नहीं ली और कोई नहीं आया। आज जो डॉक्टर यहाँ पे एम्बुलेंस लगी आप देख सकते हो, वो आके सुबह चेक कर भी चेक किए थे उन्होंने दोपहर को, तो बोल रहे थे कि इनके अभी जो भारती पाटिल है उसकी हालत में तो मतलब उसकी BP वगैरह लो हो रही है, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन वो लड़के नहीं बोल रहे कि जब तक हम यहाँ से ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से ना हॉस्पिटल जाएंगे ना कहीं जाएंगे। और रही बात प्रशासन की सर, तो प्रशासन का कोई भी आदमी अभी तक हमारी दखल लेने कोई नहीं आया। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो छात्र आमरण उपोषण कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, किसी का BP लो हो चुका है, किसी का BP हाई हो रहा है, लेकिन प्रशासन का एक भी प्रतिनिधि यहाँ इन्हें, इन छात्रों की क्या समस्या है वो जानने के लिए इस आंदोलन स्थल पर नहीं आया। मैं बताना चाहूँगा कि संविधान चौक पर ये छात्र पिछले, आज 18वां दिन है, 18 दिन से यहाँ पे है, 15 दिन उन्होंने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, और ये 3 दिन से यहाँ पे ये आमरण उपोषण कर रहे हैं। हम और कुछ छात्रों से जानेंगे, क्या नाम है बेटा आपका? विशाल लांडगे सर। क्या बताओगे आप, 3 दिन से आमरण उपोषण कर रहे हैं और 15 दिन से आपका ये आंदोलन शुरू है, कुल मिला के 18 दिन हुए हैं, क्या बताओगे? सर हम लोगों ने सभी सांसद के पास तो फोन करके ही बोला था कि सर हम लोग नागपुर में बैठ रहे हैं, आप 1 साल से तो हम लोग के ऊपर दखल नहीं दिए, कम से कम हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं तो हमारे ऊपर ध्यान दे। और जब अभी महाराष्ट्र में सभी सांसद उपस्थित है तो एक बार तो हम लोग को देखने आ सकते हैं सर, बाकी चुनाव रैली में तो सर 2-2, 3-3 दिन वैसे ही घूमते हैं वो लोग। जब देश का युवा रास्ते पे भटक रहा है उन लोग को दिख नहीं रहा सर, अभी घर पे है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा सर। हम लोग बार बार रोज उनको कॉल करते हैं सर, सवेरे शाम, कि सर आप हमारा मुद्दा उठाओ, आप हमसे। किसको कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं आप? बाड़ूभाव धानक, नाम लीजिए। बाड़ूभाव धानक, अशोक नेते, भारती पवार, सुप्रियाताई सूडे, जब भी जो भी सांसद है ना सर, सबको कॉल किया है हम लोगों ने। नितिन गडकरी साहब से आपने संपर्क किया है? नितिन गडकरी साहब से आपने संपर्क? हाँ सर, आज ही संपर्क किया था उनके PA के साथ, 5 मिनट बात की सर हम लोगों ने। हम बोले सर, क्या बोले वो? क्या बोले वो? बोले कि साहब अभी बिजी चल रहे हैं। आप तो सोचो सर, साहब बिजी चल रहे हैं रास्ते के काम में, रास्ते पे युवा भटक रहे हैं, सैनिक भटक रहे हैं, उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। वो सड़क मंत्री सिर्फ सड़क ही देखने चाहते हैं, दूसरे का काम देखना नहीं चाहते। भारत की सुरक्षा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनकी सुरक्षा सिर्फ रास्ते साफ करना, रास्ते बनाना, यही उनका काम है, बस यही काम है। आज कल भी यहाँ आए थे पीछे साइड, उनको पता नहीं है कि सर 15 दिन से हम लोग लड़के भटक रहे हैं, 1 साल के उनके दर बदर उनके घर के आगे भटक रहे हैं, तो उनका एक हिसाब बनता है कि वो लड़कों के जाते बात करें क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन लोग से कोई मतलब नहीं है सर। खाली वो चुनाव के टाइम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सर, वही बात चल रही है सर, बोलने की बात है सर, करने के कोई करता नहीं है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने जो देश के दूसरे क्रमांक के जो बलाढ्य मंत्री है नितिन गडकरी जी, इनका ये मतदार क्षेत्र है नागपुर का, ये खासदार व ये नागपुर के खासदार है, उनका ये मतदार क्षेत्र है, उनके मतदार क्षेत्र में ये छात्र जो अर्धसैनिक बल में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, ये यहाँ आमरण उपोषण कर रहे हैं, ये पात्र हुए हैं, ये SSC JD के एग्ज़ाम पात्र हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के इन्हें
सिर्फ आश्वासन, क्या आश्वासन तो दिया ही नहीं गया, लेकिन अभी तक के उन्हें भर्ती भी नहीं की गई। ये पात्र छात्र है, ये जो अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पात्र छात्र है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम पात्र होने के बाद हमें क्यों नहीं सरकार नियुक्त कर रहा है, क्यों हमें अपना नियुक्ति पत्र दे रहा है, क्या बताओगे आप? सर ये इनको जो हम लोग नितिन गडकरी सर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हाँ हमारी बात को आप आगे बढ़ाइए और उन हम लोग का न्याय दिलाइए, तो सर इन ये बोलते हैं कि हम सर मेरे बस में नहीं है, इनका सड़क परिवहन मंत्री है तो सिर्फ उनका ही वो रोड को ही देखते हैं। फिर ये अगले मुद्दे में किसी दूसरे मुद्दे में ये फिर अपना हाथ क्यों लगाते सर? अभी जो भी यूक्रेन में चल रहा है उन पर बात करते हैं कि हम वहाँ से लड़के लाएंगे। ये आप तो कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ सर, मेरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। कितने दिन से आप घर पे नहीं गए हो? सर हम लोग तो पिछले एक साल से घर नहीं गए सर। आपका ये आंदोलन पिछले एक साल से चालू है? जी। हम कब भर्ती हुए थे आप? हम लोग 2018 से हम लोग का फॉर्म डाला गया था, फिर ला प्रोसेस क्लियर होते होते हम लोग का 2021 में मेरिट लिस्ट लाया गया था। उसके बाद से जब से ही हम लोग को लगा कि इसमें बर्गलिंग किया गया है तब से हम लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, और पिछले एक साल से ज़्यादा हो गया है और आज तक हम लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, अभी तक घर नहीं गए। जेडी के छात्र जो यहाँ पे आमरण उपोषण कर रहे हैं पिछले तीन दिन से, एक लड़की की तबीयत ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं, उस लड़की के उपचार के लिए एक एम्बुलेंस आई है और उसे अभी ले जाएंगे। आप देख सकते हो लड़की अभी, आप दिखाइए, इधर आइए थोड़ा, आप दिखाइए, आप देख सकते हो ये लड़की की हालत गंभीर हो चुकी है, इसको उसको लेके जा रहे हैं, उसको इस एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से, ये तीन दिन से खाना नहीं खाई है ये बच्ची ने और इसकी हालत गंभीर हो चुकी है। आप देख सकते हो ये छात्र है, जीडी के छात्र है और ये अर्धसैनिक बल में भर्ती होना चाहते हैं। एक बच्ची की हालत गंभीर हो चुकी है, एक छात्र की हालत गंभीर हो चुकी है, आप देख सकते हो अभी उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये मेओ में लेके जा रहे क्या? हाँ, मेओ में लेके जा रही है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लेके जा रही है। आप देखिए ये स्ट्रेचर भी निकाले हैं और उस स्ट्रेचर पे इस बच्ची को रख रहे हैं, आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए ये स्ट्रेचर पे रखे उसको और अभी इनको मेओ में लेके जा रहे हैं। कहाँ मेओ में लेके जा रहे ना? हाँ, ये आमरण अनशन पे बैठी है ये बच्ची और पिछले तीन दिन से ये बच्ची के पेट में खाना नहीं है, इस वजह से उसकी हालत गंभीर हो चुकी है और उपचार के लिए अभी वो मेओ अस्पताल में लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो मेओ अस्पताल लेके जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप मेओ अस्पताल लेके जा रहे हैं, आपको बताऊंगा। ये देखिए ये मेओ अस्पताल लेके जा रहे हैं, अभी कुछ छात्र भी उसके एम्बुलेंस में बैठे हैं, दो छात्र बैठे हैं और वो जो बच्ची की हालत गंभीर हो चुकी है वो बच्ची को अभी मेओ अस्पताल लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो मेओ अस्पताल लेके जा रहे हैं, उसे उपचार के लिए लेके जा रहे हैं। पिछले तीन दिन से वो बच्ची के पेट में खाना नहीं है और वो न्याय के लिए ये नागपुर में आमरण उपोषण कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल में वो भर्ती होना चाहती है, वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पास हो चुकी है पूरी, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने इन्हें आज तक के भर्ती नहीं किया। 2018 में वो ये एग्ज़ाम हो चुकी थी। आप देख सकते हो अभी ये एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं और जिलाधिकारी, हमारी विनंती है जिलाधिकारी मैडम से कि आप अगर इस आमरण उपोषण जो कर रहे हैं, जो छात्र यहाँ पे जेडी के छात्र आमरण उपोषण कर रहे हैं वो वहाँ तक के पहुँचे, उनकी जो समस्या है वो जाने, जिलाधिकारी मैडम आप जाने उनकी समस्या। ये अभी बच्ची अभी की हालत गंभीर है और उन्हें ले जा रहा है मेओ अस्पताल, ले जाएंगे उसके ऊपर उपचार होगा। तो मेरा एक ही कहना है कि ये जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल में ये छात्र भर्ती होना चाहते हैं, ये पात्र छात्र है लेकिन 2018 में पात्र हो चुके छात्र है, उनको अभी तक के केंद्र सरकार ने, केंद्र के गृह विभाग ने
उन्हें भर्ती नहीं किया, इसी मांग को लेके यहाँ पे ये छात्रा पिछले 18 दिनों से आमरण उपोषण कर रहे हैं। 15 दिन उन्होंने ये देखिए, अभी आपको बताएंगे, ये एम्बुलेंस जा रही है, मेयो अस्पताल जा रही है। आप ले वो बच्ची जो छात्र की तबीयत खराब हो चुकी, वो बच्ची को लेके मेयो अस्पताल लेके ले गई, ये एम्बुलेंस से उसे मेयो अस्पताल लेके गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में SSC JD की एग्ज़ाम हुई थी अर्धसैनिक बल की, उसमें कुछ यानी देश के कुछ छात्रों को लिया गया और कुछ छात्रों को नहीं लिया गया, ये पात्र हुए थे, ये एग्ज़ाम भी पास हो चुके थे, लेकिन इन्हें भर्ती नहीं किया गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आज अगर इन्हें भी नियुक्ति पत्र दिए रहते तो ये छात्र आज इस आमरण उपोषण पे नहीं बैठे रहते। ये पात्र हो चुके हैं, मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, गडकरी साहब आपके इस मतदार नागपुर के मतदार क्षेत्र में ये छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और इन छात्रों को आपसे आशा है, मेरी आवाज़ अगर खासदार साहब, सांसद साहब, आपके नागपुर शहर में ये छात्र JD के अर्धसैनिक बल की ये देश की सेवा करना चाहते, ये छात्र आप को न्याय की गुहार लगा रहे हैं आपके नागपुर शहर में। आपसे एक विनंती है कि इन छात्रों को आप न्याय दिलाओगे, और न्याय देने के बाद ये छात्र देश की सेवा करेंगे। गडकरी साहब, आपसे आशा है इन छात्रों को, आपके नागपुर शहर में ये आमरण उपोषण कर रहे हैं, ये छात्रों को आप गडकरी साहब न्याय दोगे। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज, हमारे साथ में बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।